हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 12:30 बजे से। तो आजकल आफ्टरनून से ही ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग का हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है ऐसे। और अभी इसकी क्लास हो गई ख़त्म, तो इसी के साथ में यहाँ पर बैठी हुई थी। वैसे खुद कर लेती है, लेकिन इसके आँख में पता नहीं क्या हो गया और दर्द हो रहा था और आँख भी लाल हो रखी थी, तो इसलिए मैं इसको कॉपी मोबाइल से कॉपी करके दे रही थी। एक कॉपी पे लिख के तो वहाँ से ये लिख रही थी, तो फ़ोन देखना मैंने कहा अच्छा नहीं, ज़्यादा दर्द हो जाएगा। इसलिए आज सारे काम ऐसे ही हो रहे हैं, आज ढीले ढीले, और कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या हुआ, कहाँ है कीड़ा? कच्चे अमरूद पे कीड़े नहीं होते, मुझे दिखाओ कहाँ पे दिखा? खो दिया, नहीं है ज़्यादा पके हुए लाउद में कीड़े होते हैं यार। इसको बहम हो गया है अमरूद खाने में, अमरूद को देखती रहती है अंदर से छीन छीन के, इस पर कीड़े तो नहीं है। और ये तो बिल्कुल ही हरा था, ये देखो बिल्कुल कच्चा वाला, तो इनमें नहीं होती, इसमें तो दांत भी नहीं चुभ रहे मेरे से। मैंने खाया था ये आधा चाकू से काट काट के, लेकिन इस पर दांत भी नहीं चुभ रहे थे। इनमें कीड़े नहीं होते, ज़्यादा पके वाले में होते हैं, ठीक है। और आज ये भी परेशान है, मेरी आँख में दर्द हो रहा। तो अभी तक मैं लाई भी नहीं आई ड्रॉप, लाऊंगी इसको शाम तक। ऐसे ही हुआ, इसकी क्लास भी थी, अब शाम को ही जाऊंगी। और इसकी ये क्लास हो गई, उसके बाद नहा के आई थी बीच में जब इसकी क्लास नहीं चल रही थी। इसके बाल भी अभी कंघी नहीं लगाई, देखा आंखें कैसे लग रही इसकी, आज अजीब सी लग रही है। दिखाओ दिखाओ आंख, दिखाओ अपनी, ये वाली है ना, छोटी हो गई है ये वाली है। हाँ दवाई लाऊंगी, ठीक हो जाएगी फिर, ठीक है। अभी आंखें बंद करके और खाना मैंने बना लिया, चावल बनाया, कद्दू की सब्जी बनाई, और इसने तो खा लिया। थोड़ी सी दलिया बची थी रात की, के पापा के लिए बनाई थी नमकीन वाली दलिया, तो इस कद्दू की सब्जी नहीं खाती है, इसने वही खा लिया। मैंने गरम दूध डाला उसमें और इसने वो खा लिया। और मैं अभी बनाती हूँ थोड़ा सा रायता। और ये आप लोगों को मेरा अभी कभी से दिमाग ख़राब कर रही थी जब क्लास चल रही थी कि मेरी वीडियो बनाओ, इसको इतने शौक़ है। तो अभी दिखाऊँगी मैं थोड़ा सा इसने कैसा लिखा। बोल रही थी मैंने आज अच्छी राइटिंग बनाई, और बताओ मेरी राइटिंग मैम से अच्छी राइटिंग बनाई मैंने, और दिखाओ फ्रेंड्स को कि मेरी राइटिंग कैसी है। तो अभी दिखाती हूँ, प्लीज़ देखिएगा और बताइएगा प्योर रानी की राइटिंग कैसी है, और कमेंट करके बताइएगा इसकी छोटी सी प्यू की राइटिंग कैसी लगी आपको। कितने दुखी है बेचारे, आज खेल भी नहीं सकती है। प्यू की फ्रेंड आई थी और प्यू तो परेशान होकर बोल रही थी आज खेल लो, आज अकेले, आज मैं नहीं खेल पाऊँगी, आज फ्रेंड के साथ नहीं खेल पाएगी, आज आँख में दर्द हो रहा ना, तो मैंने कहा रहने दे, देख के दूसरे की आँख भी ऐसे हो जाती है, तो मैंने कहा आज मत खेल। तो अकेला मेरा हाथ दुख गया, इससे दर्द होता है बेटा। चलिए मैं बनाती हूँ थोड़ा सा रायता, और तब तक आ जाएंगे प्राप्ति गौरव भी, आप बने रहिएगा। ये देखिए मेरी छुटकू सी बेटी की राइटिंग, ये इसकी अभी क्लास चल रही थी, और इसकी हिंदी की राइटिंग है मेरी प्यारी सी पीयू की प्यारी सी राइटिंग। और बार बार मुझे बोलने के लिए आ रही थी, मम्मी मेरी राइटिंग कैसी है कैसी है। और बच्चों को कोशिश करो तो कर ही लेती है, कह रही थी आज मैं ऐसी कोशिश करूंगी, मैं अपनी मैम से अच्छी राइटिंग बनाऊंगी। और इसकी क्लास तो हो गई ख़त्म, रायता बनाते हैं 12 का टेबल। चलो अपना बंद कर दो, ये सारे बुक्स वगैरह संभाल दो, ठीक है। और ये देखिए प्राप्ति ने बनाई थी परसों संडे को, और वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी। अभी उसने इस पर कलर नहीं किया, उसके बाद उसे टाइम नहीं मिला, तो अगले संडे को इस पर कलर करेगी। तो उस कलर करने के बाद कैसे लगती है उसकी ड्राइंग, तो मैं तब भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखो
कुछ इस तरह से बनाए इसने। ये हेयर स्टाइल है, इस तरह से बना रखी है। बताइएगा आपको कैसी लगी ये ड्राइंग। और मैंने बोला भी था कल उसको इस पर कलर कर दे, मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी ये वाली ड्राइंग। एक उसने पहले भी बनाई थी, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी।